नोकिया का नया स्मार्टफोन नोकिया 8.1 आज भारत में लॉन्च कर दिया गया है। कंपनी ने नई दिल्ली में आयोजित एक इवेंट में इस स्मार्टफोन से पर्दा उठाया है। एचएमडी ग्लोबल ने पिछले हफ्ते ही दुबई में इसे लॉन्च किया था नोकिया X7 के नाम से। नई नोकिया 8.1 में 4GB रैम, 20 MP फ्रंट कैमरा, जबरदस्त बैटरी बैकअप जैसे कई खूबियां मिल जाती है। तो चलिए जानते हैं इस फोन में क्या है खास और क्या है बकवास। तो चलिए सबसे पहले इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में जान लेते हैं। डुअल सिम वाले इस स्मार्टफोन में आपको एंड्रॉइड 9.0 पाई पर रन करता हुआ आपको आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। हालांकि अभी तक के सभी जितने भी अभी तक कोई भी डिवाइस लॉन्च हुआ है उन सभी में 8.1 आपको मिलता है, बट इसमें आउट ऑफ द बॉक्स आपको 9.0 देखने को मिलेगा, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। फोन में 6.18 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले दिया गया है, जिसका एस्पेक्ट रेशो है 18:9 और इसका स्क्रीन टू बॉडी रेशो 86.5% मिल जाएगा। इसमें फ्रंट कैमरा टॉप पर डिस्प्ले नॉच दी गई है, साथ नीचे नोकिया लिखा गया है। मेटल फ्रेम वाले नोकिया 8.1 में ऑक्टा कोर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 710 प्रोसेसर मिल जाता है, जो कि हाल ही में लॉन्च हुए ओप्पो के R17 प्रो में आपको मिलता है, जिसकी कीमत 45,000 के करीब है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसका फुल डेप्थ रिव्यू अगर आप देखना चाहते हैं तो। इस डिवाइस में आपको 2.5D कर्व्ड ग्लास इस्तेमाल किया गया है। इसमें आपको एक ही वेरिएंट मिलता है 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज, जो कि आप माइक्रो एसडी कार्ड के जरिए अलग से बढ़ा सकते हैं। कैमरे की बात करें तो नोकिया 8.1 में डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है, जो कार्ल जाइस ऑप्टिक्स के साथ आता है। f/1.8 के साथ 12 MP का प्राइमरी कैमरा, जो ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन और इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन और डुअल LED फ्लैश से लैस है, तो इसमें बहुत ही अच्छा स्टेबलाइजेशन आपको मिल जाता है 12 MP का कैमरे के साथ। और वहीं 13 MP का सेकेंडरी कैमरा जो फिक्स फोकस लेंस में आता है। सेल्फी के लिए आपको इसमें 20 MP का फिक्स फोकस लेंस दिया गया है और उसका एपर्चर है 2.0। कंपनी ने इस फोन में बूथी फीचर भी दिया गया है, जिसकी मदद से आप एक ही साथ में रियर और सेल्फी दोनों एक साथ ले सकेंगे। कनेक्टिविटी के लिए इसमें वाईफाई, ब्लूटूथ और 4G वोल्टेज सपोर्ट दिया गया है। FM रेडियो, 3.5 mm हेडफोन जैक मिल जाता है, USB टाइप सी का पोर्ट मिल जाता है और इस फोन में जान फूकने का काम करती है 3500 mAh की बैटरी। फोन की बैटरी को लेकर कंपनी का दावा है कि यह 18 वाट के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी, साथ ही 2 दिन का बैटरी बैकअप भी देगी। अब इसकी डायमेंशन की बात करें तो 154.8 × 75.76 mm इसका आपको डायमेंशन मिल जाती है और इसका वजन 178 ग्राम है। इसमें नोकिया 8.1 स्टील कॉपर, आयरन स्टील और ब्लू सिल्वर डुअल कलर वेरिएंट में पेश किया गया है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये एंड्रॉइड 1 प्रोग्राम का हिस्सा है, जिसके चलते इसके 2 साल तक सॉफ्टवेयर अपडेट मिलने की गारंटी है। अब इसकी कीमत की बात करें तो भारत में इसकी कीमत 26,999 यानी कि 27,000 रुपये रखी गई है। 20 दिसंबर से इसकी सेल शुरू होगी। नोकिया 8.1 स्मार्टफोन अमेजन नोकिया मोबाइल स्टोर और nokia.com पर बिक्री के लिए मिलेगा। HDFC बैंक के क्रेडिट या डेबिट कार्ड से खरीदने पर आपको 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा और लॉन्च ऑफर के तहत एयरटेल की ओर से 1 TB डेटा फ्री दिया जाएगा। अब इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात कर लेते हैं तो सबसे पहले इसकी खूबियां जान लेते हैं। इसमें आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 710 लेटेस्ट प्रोसेसर मिल जाता है और दूसरा इसमें आउट ऑफ द बॉक्स 9.0 एंड्रॉइड पाई मिलता है, तो एक बहुत ही अच्छी बात है। और इसमें USB टाइप सी का पोर्ट भी मिल जाता है, साथ में इसमें फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाता है। मेटल बॉडी इसमें आपको मिल जाती है, जो कि एक अच्छी बात है। दूसरा इसमें जो वाईफाई मिलता है वो 802.18ac पर मिलता है, यानी कि आपके जो 5G कनेक्शन है वो भी इसमें सपोर्ट करेगा। और इसमें 3.5 mm हेडफोन जैक भी मिल जाता है, साथ में आपको FM रेडियो भी इसमें मिल जाता है। अब इसकी खामियों की बात करें तो वो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लगती है। सबसे पहले इसका ओवर प्राइस, जो कि इसकी स्पेसिफिकेशन पे बिल्कुल भी मैच नहीं करता है। 24,000 का प्राइस इसको बिल्कुल भी सूट नहीं करता है। इसका प्राइस 18-19,000 के करीब रहना था, जो कि बहुत ही ठीक रहता है। इसमें USB टाइप सी पोर्ट आपको मिलता है, बट जो उसकी स्पीड है वो वही 2.0 वाली है, तो ये आप इसकी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। इसमें जो दूसरा इसमें जो 64 स्टोरेज आपको मिलती है वो EMMC मिलती है, यानी कि वो लोअर क्वालिटी वाली आपको स्टोरेज इसमें मिलती है। और इसमें फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट तो मिलता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि इसके बॉक्स में आपको फास्ट चार्जर नहीं मिलने वाला है। नेक्स्ट इसमें जो बैक ग्लास दिया हुआ है उसमें आपको बार बार फिंगरप्रिंट्स के निशान रह जाएंगे। नेक्स्ट इसमें सिंगल स्पीकर दिया गया है, हालांकि इसमें एम्पलीफायर वगैरह को जोड़ा हुआ है, बट इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ सिंगल स्पीकर मिलता है। इसमें जो 32 नॉच और नीचे बेजल्स दिए गए हैं वो अभी तक नोकिया ने ठीक नहीं किया है। और लास्ट इसमें आपको डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड का स्लॉट नहीं मिलता है।
था इस फोन का फुल रिव्यू। आपको कौन सा फीचर अच्छा लगता है नोकिया का मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें। मिलता हूं आपको एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।